नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसका गठन रियो अर्थ समिट यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो जो ब्राजील की सिटी है वहां पर इसकी बैठक हुई थी, उसका आउटकम था यूएनएफसीसी। उसकी जो डिफरेंट मीटिंग्स हर साल आयोजित की जाती हैं, उनके परिणाम मीटिंग्स के जो रिजल्ट है, उन आउटकम्स है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम कुछ और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पेरिस समझौता और आरईडीडी या आरईडीडी प्लस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19th मीटिंग हुई थी 2013 में वर्सा में हुई थी, जो कि पोलैंड की राजधानी है। यहीं पर ही सीएमपी 9th मीटिंग हुई थी। ये सीएमपी क्या है? सीएमपी बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। जो भी क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग होती है इसी के साइडलाइन में, उसका जो ये 9th मीटिंग थी, वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनिवर्सिटी की 19th मीटिंग थी, वर्सा पोलैंड में हुई थी और ये हुई थी 2013 में। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो आउटकम निकल के आया वो निकल के आया था आरईडीडी प्लस क्या है, ये उसके बारे में जानेंगे। द सेट ऑफ डिसीजन ऑन आरईडीडी प्लस वर अडॉप्टेड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19th मीटिंग इन वर्सा इन दिसंबर 2013। ये आरईडीडी प्लस क्या है? रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये है आरईडीडी की फुल फॉर्म। तो इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19th मीटिंग जो हुई थी यूएनएफसीसी की, कहां पर हुई थी? वर्सा पोलैंड में, और 2013 में हुई थी। एग्जामिनेशन पार्टी से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरईडीडी प्लस पर निगोशिएशन वैसे 2005 से ही चल रहा था, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी बैठक हुई थी जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था, लेकिन फाइनली ये जो अपने फुल स्टेज में पहुंचा था वो वर्सा टॉक के दौरान पहुंचा था 2013 में। तो इस तरीके से वर्सा टॉक जो पोलैंड में हुई थी 2013 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19th मीटिंग हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर ही आरईडीडी प्लस का कॉन्सेप्ट वहां पर आया था। बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, दो टर्म है, आरईडीडी या आरईडीडी प्लस। तो दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, दोनों के बारे में हम सेपरेटली जान लेते हैं कि आरईडीडी क्या है और आरईडीडी प्लस क्या है। आरईडीडी बेसिकली यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का। और ये कोलेबरेटिव प्रोग्राम है, एक संयुक्त प्रोग्राम है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का, ये तीन संस्थाएं इसमें शामिल है आरईडीडी के जो प्रोग्राम के गठन में। और ये 2008 में इसको क्रिएट किया गया था। तो आरईडीडी क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशन लेड एमिशन रिडक्शन प्रोग्राम है और इसमें जो संस्थाएं शामिल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालती है, यूएनडीपी वही है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तो इस तरीके से ये 2008 में इसको गठन किया गया था। वहीं अगर आरईडीडी प्लस के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना, ये बेसिकली आउटकम है जो यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19th मीटिंग हुई थी वहां पर वर्सा पोलैंड में, कब? 2013 में। द रोल ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन सिंक इन द डेवलपिंग कंट्री, ये इसका मेन पर्पस था आरईडीडी प्लस का। तो इस तरीके से तीन बिंदुओं पर ही फोकस था, सबसे पहले फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना, फिर उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना और उसमें एनहेंसमेंट करना फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए, कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज। तो इट इज आरईडीडी प्लस विच इज आउटकम ऑफ वर्सा यूएनएफसीसी समिट विच टेक प्लेस ऑन 2013 एंड इट वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19th मीटिंग। आरईडीडी प्लस वॉज फर्स्ट निगोशिएटेड अंडर द यूएनएफसीसी इन 2005, जैसा अभी डिस्कस किया था, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी बैठक हुई थी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कम करने का इसका ऑब्जेक्टिव था, थ्रू द रिड्यूसिंग नेट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे बढ़ाएं डेवलपिंग कंट्री में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो सके, ये मेन पर्पस था, जैसे क्लाइमेट चेंज से हम फाइट कर सकें। और ये यूएनएफसीसी के तहत इसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 2005 में और फाइनली 2013 में
जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 90th मीटिंग हुई थी तो उस समय इसको अपनाया गया था। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 2005 में मीटिंग हुई थी वो COP 11th मीटिंग थी जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। इन द लास्ट टू डिकेट ये स्टडी में सामने आया कि डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से, यानी जो वनों की कटाई हो रही है वन क्षरण की वजह से, लगभग 12 से लेकर 29% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन जो बढ़ा है वो बेसिकली थ्रू डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से ये इंक्रीज हुआ है। एक महत्वपूर्ण आउटकम है एक स्टडीज का। तो इस वजह से इंक्लूड किया गया था वर्षा जो टॉक हुई थी उसमें, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है या फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसकी वजह से जो एडिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, उसको देखते हुए लगभग 30% के आसपास एडिशन हो रहा है, तो उसको देखते हुए ये जो RED+ का कॉन्सेप्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में शामिल किया गया था 2013 में, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19th मीटिंग थी जो वर्षा पोलैंड में हुई थी। इसके तहत जो प्रमुख एक्टिविटीज हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इट फोकस ऑन 4 एक्टिविटीज। द डिसीजन ऑन RED+ इनुमरेट 5 एलिजिबल एक्टिविटीज। 5 एलिजिबल एक्टिविटीज पर इसे फोकस करता है, सॉरी 5 एलिजिबल एक्टिविटीज थे इसके अंतर्गत, और वो कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई से उत्सर्जन को कम करना, कटाई जो हो रही है उसको रोकना और जिसकी वजह से उत्सर्जन कम होगा। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है मतलब फॉरेस्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना, उसके जो कैनोपी डेंसिटी अगर हम बात करते हैं जो उनकी ब्रांचेस की छाया होती है उसको इंक्रीज करना ताकि डेंस फॉरेस्ट हो सके जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। वहीं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को बढ़ाना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ये प्रमुख रूप से 5 बिंदु थे जिन पर जो है ना प्रकाश डाला गया था इस RED+ के तहत। RED+ इस तरीके से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 19th मीटिंग की वर्षा पोलैंड में हुई थी 2013 में, उसका आउटकम था। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मीटिंग आती है 2014 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 20th मीटिंग होती है। वहीं जो मीटिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल जो होती है वो 10th मीटिंग होती है लीमा जो कि पेरू की राजधानी, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द लीमा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी शिक्षा और जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय घोषणा इसमें अडॉप्ट किया गया था। इसका पर्पस ये क्या था कि रेजिंग कॉल ऑन गवर्नमेंट टू पुट क्लाइमेट चेंज इन टू स्कूल करिकुला, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है जो भी पाठ्यक्रम होता है उसमें क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड करने की इसमें बात कही गई थी, जो कि लीमा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 20th मीटिंग जो कि लीमा में हुई थी 2014 में। यानी सरकारों को स्कूल पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में भी जलवायु जागरूकता के लिए सरकारों को आह्वान किया गया था इनको शामिल किया जाए इसमें पाठ्यक्रम में, यानी स्कूल जो करिकुला होता है उसमें, और जो भी क्लाइमेट अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको जो अपने प्लान होते हैं जो भी उनकी स्कीम्स होती है उसमें इंक्लूड करने के लिए इसमें बात किया गया था गवर्नमेंट को, जो भी पार्टीज थी UNFCCC की जो भी पार्टी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आउटकम ये भी था कि लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, यानी लिंग संतुलन पर लीमा का कार्य। द लीमा कॉन्फ्रेंस एग्रीड अ लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर टू एडवांस जेंडर बैलेंस एंड टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाइमेट पॉलिसी। मीन्स इसमें जो लैंगिक संतुलन है यानी जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ जो जलवायु की नीतियां हैं यानी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी हैं उनके विकास और कार्यान्वयन में, उनके मतलब डेवलपमेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी जो जेंडर संवेदनशीलता है यानी जेंडर सेंसिटिविटी है उसको इंक्लूड किया जाएगा और दोनों की भागीदारी से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रमुख आउटकम था लीमा पेरू का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 20th मीटिंग हुई थी 2014 में, यानी लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है कि जेंडर इक्वलिटी पर किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के तहत जो यूनिवर्सिटी की पार्टी हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था। वो पार्टी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 20th मीटिंग कब हुई थी 2014 में लीमा पेरू में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है वो 2015 में होती है और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग थी जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित की जाती है। और ये पेरिस अग्रीमेंट जैसा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा कि पेरिस समझौता क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस अग्रीमेंट यह जान लेते हैं, टू होल्ड द इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टू द बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर
जो हमारा टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने ये टारगेट रखा था कि राइज नहीं होने देंगे। वैसे औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसको रखने का इसमें प्रोविजन किया गया था जो पेरिस समझौता हुआ था। और जो कि अगर यूएनएफसीसी की बात करते हैं तो जो आईपीसीसी उसके गवर्न करता है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1850 और 1900 के बीच का जो भी पीरियड होता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यहीं से ही हम काउंट करेंगे कि जो टेम्परेचर राइज जो है ना एक रेफरेंस स्केल प्री इंडस्ट्रियल लेवल का यही मानेंगे 1850 से 1900 का, ये आईपीसीसी का प्री इंडस्ट्रियल लेवल स्केल है। यानी इस लेवल से जो भी टेम्परेचर राइज हुआ है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखने का प्रस्ताव पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया था। और ये भी प्रयास किया गया था कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, उसको अगर कोशिश हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रखने का प्रयास करेंगे। अल्टीमेट जो टारगेट होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रख सके। तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयत्न किया गया था। और स्वीकार करते हुए इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभाव को काफी कमी लाई जाएगी, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और ये एग्रीमेंट का आउटकम था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रखना ही रखना है, अगर कोशिश करें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आउटकम ये था नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर ऑल पार्टी टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट थ्रू नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन यानी NDC। पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी पार्टियों को ये कहा गया था कि अपने जो ग्रेटर एफर्ट के थ्रू एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्रयास को आगे रखें ताकि उनका जो टारगेट है उनको सब देशों के बारे में पता चला जा सके, ताकि किस कंट्रीज का जो टारगेट है एमिशन को रिडक्शन करने का किस पीरियड तक, वो सारा चीज जो है ना सभी देशों के सामने रखने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। मतलब सभी देशों के लिए कहा गया था कि अपना जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी उसके हिसाब से टारगेट रखनी कि हम इतना टाइम पीरियड तक इतने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे। ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था जो कि पेरिस आउटकम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पेरिस अग्रीमेंट के तहत एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड तरीके से दर्शाया गया था। कि जिसमें से पहला पॉइंट यह था कि एक्नोलॉजिंग द पीकिंग ऑफ एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज विल बी टेक लॉन्गर, मतलब इसमें स्वीकार किया गया था विकासशील देशों में जो उत्सर्जन की व्यस्तता है यानी जो एमिशन का जो पीक है वो अधिक समय लेगा वहां तक पहुंचने में और उसके बाद रिड्यूस होने में, जबकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी रीच देयर पीकिंग स्टेट। तो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को ये उनके लिए माना गया था कि उनकी जो पीकिंग एमिशन है वो थोड़ा अभी लॉन्गर चलेगा, और डेवलप्ड कंट्रीज टू टेक लीड इन द मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इसमें यह बोला गया था डेवलप्ड कंट्री एक लीड लेंगे मतलब अग्रणी रहेंगे जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करने में और जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री को एक लीड लेने के लिए बोला गया था। बाय कॉलिंग अपॉन द सपोर्ट टू बी प्रोवाइड टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन, मतलब डेवलप्ड कंट्री के लिए ये कहा गया था कि वो भी जो भी टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल इस तरीके से वो हेल्प करेंगी डेवलपिंग कंट्री की, ताकि वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो भी अडॉप्ट करती है उनमें जो फंड या टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है वो डेवलप्ड कंट्री उसको प्रोवाइड कर सके, ताकि जो अपना मिशन है या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है NDC उसको अचीव कर सके और समय रहते ही जो उनकी पीक एमिशन है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये कुछ प्रमुख आउटकम थे पेरिस एग्रीमेंट के 2015 में जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग थी। पेरिस अग्रीमेंट एंटर इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, जो भी पेरिस अग्रीमेंट हुआ था वो 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। और द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस अग्रीमेंट, जिसे CMA1 के नाम से जाना जाता है, वो मरकस मोरक्को में 2016 में ही हुई थी। इस तरीके से जो पेरिस अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 22वीं मीटिंग कहाँ पर हुई थी, मरकस मोरक्को में हुई थी, और वहीं पर ये केम इनटू फोर्स आया था, यानी इसको लागू किया गया था कि इसको पेरिस अग्रीमेंट को। तो इस तरीके से पेरिस अग्रीमेंट फाइनली लागू हुआ था नवंबर 2016 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 22 मीटिंग थी मरकस मोरक्को में हुई थी और 2016 में हुई थी।
यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जैसा पेरिस अग्रीमेंट के तहत एनडीसी की बात की थी, मतलब इंटेंडेंट नेशनल डिटेन कंट्रीब्यूशन की बात कही थी, हर कंट्री से अपना टारगेट रखेंगे कितना वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर सकती है और किस पीरियड तक, तो उस दिशा में भारत का जो आउटकम था, भारत का जो उसने जो INDC वर्ल्ड के सामने उसको रखा गया था, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। द एम्बिशियस टारगेट्स ऑफ रिड्यूसिंग इट्स एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी GDP का 33 से 35% तक रिड्यूस करेगा इंडिया बाय 2030, और ये जो लेवल होगा ये मेजर किया जाएगा, यानी बेस लेवल होगा 2005, यानी 2005 से के लेवल पर 2030 तक वो 33 से 35% तक जो रिड्यूसिंग है एमिशन का उसको रिड्यूस करेगा अपने GDP का। तो ये प्रमुख टारगेट था, पहला टारगेट था इंडिया का INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का जो उत्सर्जन हो रहा है उसका 33 से 35% तक कम करने का आह्वान किया गया था इंडिया ने, और ये कब किया गया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत। वही सेकंड उसका था जो टारगेट था इंडिया का INDC, वो एडिशनल फॉरेस्ट कवर बाय 2030, मतलब 2030 तक जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाएगा, और साथ ही साथ थर्ड टारगेट था एडिशनली कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 million tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट उसको बढ़ाएगा, मतलब कार्बन सिंक को भी बढ़ाएगा और फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाएगा। जो कार्बन सिंक बढ़ाने का जो उसका टारगेट था 2.5 से 3 million tons था, ये थर्ड उसका INDC था। और जिसका फोर्थ टारगेट की हम बात करते हैं, तो 2022 तक टोटल 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2022 तक उसको कंप्लीट करना, ये इंडिया का INDC है इंटरनेट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का इरादा भी बोला जाता है। और इसमें सोलर एनर्जी का टारगेट था वो 100 GW उत्पादन का था, और विंड एनर्जी का टारगेट की वहीं बात करते हैं तो 60 GW है, और बायोमास एनर्जी की बात करते हैं 10 GW है, वहीं स्मॉल हाइड्रो के द्वारा एनर्जी का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 5 GW है। इस तरीके से जो फोर्थ इंडिया का INDC था उसके तहत 2022 तक उसको कम्प्लीट करना है 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, और ये टारगेट कितना अचीव होता है प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से ये तो वक्त के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन जो टारगेट है इंडिया ने अपना जो INDC है वो यूनिवर्स के वर्ल्ड के सामने रखा ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उसके कदम को सराहा जा सके। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के कुछ प्रमुख मीटिंग थी उनके आउटकम है उनके बारे में जाना, साथ ही साथ पेरिस अग्रीमेंट के तहत क्या क्या समझौता हुआ था, ये बेसिकली पेरिस अग्रीमेंट और पेरिस समझौते के तहत क्या क्या प्रयास किए गए थे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, INDC के बारे में डिस्कस किया INDC क्या है, और वहीं RED RED प्लस में क्या डिफरेंस है, और इसका जो प्रमुख एम है RED प्लस का उसके बारे में डिस्कस किया। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।